Varma center of mass linear momentum Kulivanka numerical 24. During a heavy rain, hailstones of average size 1 cm in diameter fall with an average speed of 20 meter per second. Suppose 2000 hailstones strike every square meter of 10 meter into 10 meter roof perpendicular in 1 second and assume that the hailstones do not rebound. Calculate the average force exerted by falling hailstone on the roof. और उसकी डेंसिटी दी है हेलस्टोन की 900 केजी पर मीटर क्यूब. तो ये सब पूरा डेटा दिया हुआ है. यहाँ पे बारिश गिर रही है और वो परपेंडिकुलर गिर रही है, मतलब सीधे यहाँ पे इस पर गिर रही है. हमें एरिया दिया 10 मीटर बाय 10 मीटर का, और ये सब उसके हेलस्टोन जो होगी उसकी रेडियस दी है, मतलब डायमीटर दिया है उसके, हमने रेडियस फाइंड कर दी, वॉल्यूम सब, वेलोसिटी वगैरह दिया है, कितने नंबर ऑफ हेलस्टोन वो भी दिया है, और हमें पूछा है कि इस सरफेस पर कितना फोर्स एक्ट होगा. अब ये फोर्स हमें कौन बताता है? फोर्स बताता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का रेट, मोमेंटम चेंज होने का ए रेट, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और उसका ये लगा हुआ टाइम. अब ये इनिशियल मोमेंटम मतलब ये जो हेलस्टोन आ रहे कहाँ से आ रहे? बादल से. बादल में पहले तो पानी भी नहीं था, वाटर वेपर से, फिर पानी बना, फिर टपकने लगा, मतलब उसकी यहाँ पे बादल में यहाँ पे वेलोसिटी होगी जीरो, मतलब ये इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो. तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वही चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब यही फोर्स होगा. और ये फोर्स ना है तो मास, एक हेलस्टोन का मास, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इस हेलस्टोन क्या होगा? उसका शेप होगा स्फेरिकल शेप. तो ये आएगा स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³. और उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी ये आ जाएगा मास. तो मास कितना आ गया? तो ये फाइंड कर सकते हैं मास, और डायरेक्ट यहाँ पे हम फोर्स ही फाइंड करते. ये मास आ जाएगा और इनटू ये वेलोसिटी भी यहाँ पे पुट कर देते हैं और टाइम भी पुट कर देते हैं. तो वैल्यू पुट करते हैं तो टाइम यहाँ पे 1 पुट कर दिया, टाइम गया. वेलोसिटी कितनी पुट कर, चलो ये एफ इज इक्वल टू 4/3 π, पाई की वैल्यू 3.14 r. r कितना है यहाँ पे? 0.5 सेंटीमीटर था, तो इसका मीटर में किया बाय माइनस 10^-2 से मल्टीप्लाई करके, और डेसिमल भी निकाल दिया तो 10^-3, और इसका क्यूब करना है, मतलब ये 5 × 5 × 5 क्यूब करना है, और 10^-3 − 3 − 3 − 3 − 9 हो जाएगा. और डेंसिटी दी है हमें यहाँ पे 900 केजी पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो इतना फोर्स. तो ये 4 × 5 आएगा 20, और ये आएगा 500, और ये 500, और 500 × 3.14 × 500, तो 2 0 से डेसिमल चला गया, और 5 × 4 = 22, 5 × 7 और ये 15, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 0 और 9 7 = 63, 6, फिर 9 से मल्टीप्लाई करने से जगह पे ये 3 और ये 300 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 0 आ गए, 3 7 = 21, 2 15 17 1 3 1 3 4, और इसे भी फिर 20 से मल्टीप्लाई करते तो 20 का ये 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 4 0 तो रख दिए, और उसके बाद 2 1 = 2, 7 2 = 14, 1 और ये 8 9, तो फोर्स आ रहा है यहाँ पे 9 4 2 और 1 2 3 4 2 3 4 और 10^-9. तो 4 0 इसमें से निकाल देते तो ये रहेगा −5, ये 10^4 उसमें ऐड कर देते तो 10^-5. तो इतना फोर्स आ रहा है, इतना फोर्स आ रहा है एक हेलस्टोन का. ऐसे कितने हेलस्टोन है? 2000. तो 2000 हेलस्टोन के लिए कितना फोर्स आ जाएगा? तो फॉर n इज इक्वल टू 2000 ये फोर्स कितना आ जाएगा? तो एक हेलस्टोन के लिए इतना, तो 2000 हेलस्टोन के लिए फोर्स कितना आ जाएगा निकालते हैं. तो 2 2 = 4 2 4 = 8 2 9 = 18, और ये −5 और 18 = +3, तो ये आएगा −2 10^-2, और
ये हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें एरिया दिया है 10 बाय 10 का, तो एरिया कितना 10 बाय 10 का एरिया, इसके लिए फोर्स कितना आ जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1884 इंटू 10^-2 और ये इंटू 100, तो ये इसके लिए चला जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू आ रहा है 1884 न्यूटन, इतना फोर्स आ जाएगा, बुक में दिया है 900 न्यूटन।